कभी मीडिया पर भड़कते हैं चांदना। सर इतना भीड़ है, प्रोटोकॉल तोड़ा गया। आप प्रोटोकॉल में हो सारे? हाँ, नहीं है ना सर। आप हो गया सारे? नहीं है सर। जो जिसका खुद का घर शीशे का होता है वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकता, पहले आप प्रोटोकॉल पालना करना सीखिए। सर आप तो जिम्मेदार मंत्री हैं। अरे तो मेरे बाटा मार लो यार, क्या बात कर रहे हो। कभी अधिकारियों की क्लास लगाते हैं चांदना। चोरियां बंद होनी चाहिए, क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ, आज तक ऐसा ट्रेंड ही नहीं है, कैसे होगी? मुझे ट्रेस आउट से लेना देना नहीं है, अगर आज के बाद चोरी हो गई तो मैं तो इस तरह का बर्ताव करूंगा कि आपने करवाई है। अब आप ये ध्यान रख लेना, या तो आप लोग मुस्तैदी से अपना काम कर लो, नहीं हो सकता है तो मेरे को बता दो कि हम काम नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो फिर आप पुलिस में, जब आप लोग चोरियां नहीं रोक सकते? चांदना का अंदाज हर कोई जानता है, जब जनता के बीच होते हैं तो उनके ही अंदाज में ढल जाते हैं। अरे ये तो यूं कर रहे थे, ये तो वहां कर रहे थे, इस सड़क बना बना गुना, ये निकोलर बांध बना बना गुना, कॉलेज बना बना गुना, आज 25 गुना, 10वीं की 12वीं कर दी, रजला होता हेडक्वार्टर में कभी 12वीं कोई नहीं बना दी, सादे काम में कभी 12वीं कोई नहीं बना दी, बच्चे फट पा रही है। अब तुम काम करो तो बाद में अगर बिस्तरी अड्डी का कोई लोग जिस अंदाज के लिए अशोक चांदना जाने जाते हैं, वही अंदाज चांदना ने एक बार फिर दिखा दिया है, जब उनके जुड़े विभाग के काम में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका ने दखल अंदाज करते दिखे तो चांदना ने नाराजगी जाहिर की। लगातार अनदेखी के बाद चांदना ने आखिरकार ऐसा ट्वीट किया जिसने राजस्थान के राजनीति में चुनाव से ठीक पहले हड़कंप मचा दिया है। चांदना ने अपने ट्वीट में लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे ही वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। अशोक चांदना के इस ट्वीट के बाद सरकार परेशानी में है। चांदना के इस बागी तेवर के बाद सरकार पर संकट आ गया है, क्योंकि सरकार में इस्तीफे की कोई पेशकश पहली बात नहीं है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा का नाम भी है जो सरकार से नाराज है, और अशोक चांदना भी 7 साल तक यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन चांदना कोई भी ट्वीट क्या टेंशन परेशानी में कर सकते हैं, ये तो जनता भी जानती है, क्योंकि अशोक चांदना एक एथलीट है, और ऐसे में जब उनके खेल विभाग में हस्तक्षेप हुए तो चांदना ने अपनी बात खुलकर रखी। लेकिन गहलोत साहब को लगता है कि ये ट्वीट टेंशन में किया गया है, आप भी सुनिए। नहीं, मेरे को लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछले बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो स्टेट स्पोर्ट्स का, उसी प्रकार से अभी प्रोग्राम बहुत बड़ा होने आ रहा है ग्रामीण ओलंपिक। हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो, तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कुछ टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट करते ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए, उनकी बातचीत करें। मेरे पता नहीं, अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम करा दिखता है, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे। गहलोत साहब ने चांदना के ट्वीट को गंभीरता से ना लेने की बात कही, अब अशोक चांदना इस पर क्या सोचते हैं? गहलोत ने चांदना के इस्तीफे की पेशकश को गंभीरता से नहीं लेने की बात कही, जिसे साफ तौर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर ही देखा जा सकता है। गहलोत ने इसे बेहद मामूली मामला बताकर हल्के में लेने का मैसेज देने का प्रयास तो किया है, लेकिन राजस्थान में 23 से पहले राज्यसभा चुनाव भी है, और ऐसे में राज्यसभा चुनाव की 3 सीटें जीतने का दावा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। लेकिन हो सकता है कि ट्वीट चुनाव से पहले सरकार के सामने मुश्किलें पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स।